दोस्तों आप में से कई लोगों ने बारिश के मौसम में बिजली को गिरते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कई लोगों ने इस घटना को अपने मोबाइल के कैमरे में भी रिकॉर्ड कर लिया। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपने कई बार लैंडस्लाइड या फिर भूस्खलन होने की खबरें तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी लैंडस्लाइड को होते हुए लाइव देखा है? क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ लैंडस्लाइड से जुड़ी कुछ ऐसी वीडियोस जो लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर ली है। तो एक बार आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों ज़्यादातर लैंडस्लाइड पहाड़ों के इलाके में होते हैं, क्योंकि रोड्स और हाईवे बनाने के लिए पहाड़ों को जब काटा जाता है तो वह कमज़ोर हो जाते हैं। जब कभी बारिश या तूफान या फिर भूकंप आता है तब यह कमज़ोर होकर नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, जिसे कि लैंडस्लाइड ही कहा जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे यह सड़क जमीन के अंदर धस गई है। बारिश होने की वजह से नहर के पास वाली जमीन ढीली पड़ गई, जिसके बाद कारों का वजन होने की वजह से वहाँ की मिट्टी खिसक कर नीचे बैठ गई। दोस्तों ज़्यादातर लैंडस्लाइड आपको पहाड़ों पर बने सड़कों पर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि सड़क बनाने के लिए जिस तरीके से पहाड़ों को काटा जाता है वह उन्हें कमज़ोर बना देता है। तो देखिए पहाड़ों की मिट्टी जब खिसक जाती है तो वो पानी की तरह बहकर रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देती है। अगर आप कुदरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो कुदरत भी आपसे बदला जरूर लेगी। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब एक बड़ा सा लैंडस्लाइड आता है तो कैसे एक पूरा पहाड़ अपनी जगह से खिसक जाता है। Thank you.
दोस्तों एक आदमी पैराशूट की मदद से उड़ रहा था। उसने जब एक पहाड़ी के ऊपर से देखा कि वहाँ की जमीन पूरी तरीके से फटी हुई है और वहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है, तो उसने इस खतरनाक लैंडस्लाइड के वीडियो को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, वरना कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता। दोस्तों अगर आपके सामने इतनी बड़ी आपदा हो तो आप अपनी गाड़ी को बचाओगे या फिर अपनी जान बचाओगे? असल में देखा जाए तो आप अपनी जान पहले बचाओगे, लेकिन आप इन लोगों को देखो जो ऊपर से पूरा पहाड़ खिसक रहा है, लेकिन इन्हें उसकी परवाह नहीं बल्कि अपनी गाड़ी की फिक्र हो रही है। दोस्तों ऐसे वीडियो हमें सतर्क करते हैं कि हमें कुदरत से कभी भी ज़्यादा खेलना नहीं चाहिए, वरना अंजाम आप अब जानते हैं।